हमारा रामगढ़ तीर्थ स्थान है। यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते थे कि ये आज से तकरीबन 5600 साल पहले का ये मंदिर बना हुआ है और एक ही रात्रि में ये पांडु ने बनवाया था। और पांडु को जब 12 साल का वनवास हुआ, उसके बाद एक साल का जब अज्ञातवास हुआ, तो उस वक्त पांडु उस यहाँ पे आए एक साल के लिए, तो उन्होंने एक ही रात्रि में ये जो मंदिर बनवाया था। आज का दिन जो है वो एक, मैं बोलता हूँ कि देश को पैगाम देने का दिन है कि यहाँ पे जो रामकुंड मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे हर साल की तरह यहाँ पे मेला हो रहा है और यहाँ आज फाइनल जो है मेला है। और सबसे बड़ी बात देखने को ये है कि यहाँ पे 95% प्लस जो है वो मुस्लिम आबादी है और उसके बीच में ये मंदिर है। और हम ये जो इनका ये दिन है, हमारे बाप दादा से लेके आज तक हम इसको मनाते आ रहे हैं और वही जो उनकी रिवायत है उसको कायम करते हुए हम भी जो है आज 2 दिन से अपने हिंदू भाई बहनों के साथ जो है वो इस मंदिर में है। और ये मेला जिस तरीके से हमारे हिंदू साथी मना रहे हैं, उसी तरीके से हम भी मना रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, फैंसी मैनेजर, मैं तमाम भारतवासियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा ये तीर्थ स्थान पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर के अंदर है और तमाम भारतवासियों को मैं नमस्कार करता हूं और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि यहां पे आए ये चैत्र चौथी वाले दिन यहां मेला लगता है। हर डिस्ट्रिक्ट हर गांव से यहां बच्चे आते हैं और मैं यहां की एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का और यहाँ जितने भी हमारे SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, SDPO साहब मेंढर हैं, SSP पुंछ, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले ही आके यहाँ पे एक पूरा अरेंजमेंट किया और आज हमें परेशानी देखनी नहीं पड़ी। क्योंकि हमें एक परेशानी यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारी रोड तंग है, तो मैं रोड के लिए फिर एक प्रार्थना करूँगा जिस हिसाब से कि ये रोड जो है अगली बार थोड़ी खुली होनी चाहिए ताकि हमारा जाम ना लगे। तो बाकी यहाँ जितने भी हमारे महकमे हैं उन्होंने सब ने तामन किया है और फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि सभी लोगों से अपील है कि यहाँ पे आए और अपना जो है जीवन सफल बनाए। शुक्रिया।